हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा होम टूर। क्योंकि इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रही थी, सबसे ज्यादा मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट होगी तो इसी वीडियो की होगी। और जब से मैंने चैनल ओपन किया तब से इसी वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो फाइनली आपके साथ मेरा होम टूर शेयर कर देती हूँ। और कुछ सब्सक्राइबर मुझसे नाराज भी हो गए थे कि मैं होम टूर शेयर नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी डियर। तो चलिए फिर देखते हैं मेरा घर कैसा है। हे गाइस, बाहर से कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा घर। एलिवेशन कुछ इस तरह से है हमारे घर का। और अब ये है दिवाली के दिन का वीडियो, और इस तरह से डेकोरेट किया था हम लोगों ने घर को, मतलब कलर चेंजिंग वाले लाइट लगाए थे और लाइटिंग लगाई थी। तो ये है घर का मेन डोर, और यहाँ पर सामने ही कार खड़ी रहती है। और यहाँ पर मैंने जो है रंगोली निकाली थी, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। पहले तो साइड में रंगोली निकाली थी यहाँ पे, और मुझे इतने अच्छे से रंगोली नहीं निकालनी आती है, प्लीज़ जज मत करना। तो ऐसे ही कुछ भी निकाल ली थी मतलब। और यहाँ पर तुलसी का पौधा है, तुलसी है। और यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी रहती है, इनकी बाइक खड़ी रहती है। और इस तरह से दिए लगाए थे। और यहाँ पर है पाम के आर्टिफिशियल ट्री, ये आर्टिफिशियल ट्री है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये हमने साइड में लगाया है, और ये मतलब गमले में फिट किए हैं तो इस तरह से। और नीचे पंखुड़िया डाली है इसकी, क्या बोलते हैं, तो गेंदे, और इस तरह से है। और यहाँ पर दिए लगाए थे सारी जगह पे तो। और ये सामने स्टिकर लगाया है वेलकम वाला। और फिर डोर मेट है वहाँ पे रखा। और यहाँ पर एक झूला टांगा हुआ है, और पोर्च है ये, तो पोर्च में एक झूला टंगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। और ये ओरिजिनल पाम का मतलब वो है, ट्री है। और यहाँ पर एक झूमर टांगा हुआ है, और जो आपको दिए दिख रहे हैं, मतलब कैंडल जिसमें दिख रही है, वो मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। और यहाँ पर एक नेम प्लेट है, उसके ऊपर गणेश जी है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से तोरण लगाया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये न्यू लाया था, इस वजह से उस दिन लगाया था, मेरा पुराना वाला मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर इस तरह से डोर मेट है। और यहाँ पर ना ये वॉल पे एक गणेश जी का वेलकम वाला है, मतलब वो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, और रात को मैंने ये शूट किया था जब हमारा खाना वगैरह हो गया था, इसी वजह से उस टाइम शूट किया था। और ये ना यहाँ पर एक मतलब वो ग्रीन वाला बॉल लगाया है, उसमें भी लाइट है, वो नहीं लगाया था। और उसके नीचे जस्ट कार रहती है। और इसके अंदर हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो लिविंग रूम का टूर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, डिटेल में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर मैंने वास रखा है, उसके जस्ट ऊपर मैंने ये पेंटिंग लगाई है, मतलब फ्रेम लगाई है पेंटिंग की। यहाँ पर कारपेट डाला हुआ है, उसके ऊपर सेंटर टेबल है, और उसके ऊपर एक मतलब वो रखा है, पॉट रखा है, उसमें कुछ डेकोरेट किया था कैंडल वगैरह से। और यहाँ पर कॉर्नर में कृष्णा जी की मूर्ति रखी है। और ये जो शेल्फ है वो मैंने अमेज़ॉन से परचेस की थी, इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर कर रखा है मैंने, और उसमें कुछ स्टैचू वगैरह रखे हैं। और यहाँ पर इस तरह से कर्टन्स लगाए हैं। और मेरी जो हॉल की थीम है वो ब्राउन एंड उसकी है, कॉफ़ी ब्राउन एंड क्रीम कलर की, तो इस तरह से है। और यहाँ पर डोर के ऊपर जस्ट वॉल क्लॉक लगाई है, और काफ़ी लोगों ने पूछा था ये कौन सी कंपनी की है, तो ये अजंता की वॉल क्लॉक है, डिज़ाइनर वॉल क्लॉक। और यहाँ पर टीवी कॉर्नर है, और सिंपल सा टीवी कॉर्नर रखा है हमने, एकदम सिंपल सा है, टेबल है, और उसके ऊपर जस्ट टीवी लगाया है, और वहाँ पर स्टिकर लगाया है, वो अमेज़ॉन से परचेस किए थे। और इस तरह से मेरे हॉल का लुक है। और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। और अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रखी है, और मेरा ट्राईपॉड कोने में रहता है क्योंकि अदवी हाथ लगाता है इसी वजह से। और यहाँ पर मेरा वैक्यूम क्लीनर रहता है, तो इस तरह से यहाँ पे रहते हैं सारी चीज़ें। और हम टर्न करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करते हैं तो यहाँ पर कुछ वॉल पे फ़ोटोज़ लगाए हैं भगवान के। और जस्ट यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं, तो उसे डाइनिंग टेबल रहता है, तो डाइनिंग टेबल 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे मैंने पूजा रखी थी। तो इस तरह से मेरी पूजा थी दिवाली के दिन की, लक्ष्मी पूजन के। और इसके ऊपर एक शेल्फ है, तो वहाँ पर मैंने खाने पीने की चीज़ें रखी है। और ये अंदर डोर है यहाँ पे, तो यहाँ पर अंदर है स्टोर रूम, और मैंने वहाँ पर जस्ट सामने ये भगवान का मंदिर रखा है। और स्टोर रूम कुछ इस तरह से है मेरी, थोड़े से डिब्बे वगैरह रखे हैं, तो इस तरह से है। और इधर से अंदर आते हैं तो यहाँ पर चेयर्स मैंने निकाल दी थी क्योंकि वहाँ पर डाइनिंग के ऊपर पूजा थी इसी वजह से। और यहाँ पर फ्रिज रखा है, और कुछ इस तरह से मेरा किचन का लुक है। यहाँ पर एक वास रखा है, और उस पर कुछ फ्लावर स्टिक लगाया है, और कुछ इस तरह से मेरा किचन है। और किचन का फुल टूर भी आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और
इस तरह से मैंने फ्रिज के ऊपर भी एक पॉट रखा है, फ्लावर पॉट, और इस तरह से मेरा किचन का लुक है पूरा। थोड़ा सा हमने खाना वगैरह खाया था तो थोड़ा से बर्तन वगैरह वहाँ पे पड़े थे, तो इसी वजह से उसको माइंड मत करना प्लीज़। और इस तरह से यहाँ पर खाना भी बना के रखा था क्योंकि दिवाली के दिन बहुत सारा खाना बनता है लक्ष्मी पूजन के लिए, तो इसी वजह से वहाँ पर रखा था साइड के उस पर काउंटर टॉप पे। और इस तरह से मेरा किचन का फुल लुक है। एक बार आप किचन का जो फुल टूर है वो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और फिर हम लोग किचन से निकलते हैं तो यहाँ पर आपने देख ही लिया, और फिर आते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पर बेडरूम है मेरी, और इस तरह से सेंटर टेबल मतलब साइड टेबल पे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा है गोल्डन कलर का, और यहाँ पर है मेरा वार्डरोब, तो यहाँ पर हम दोनों का वार्डरोब है और इस तरह से है। फिर मैंने पर्पल कलर के यहाँ पे कर्टन्स लगाया है, यहाँ पे विंडो है, उसके ऊपर जस्ट अद्विक का फ़ोटो है मतलब फैमिली फ़ोटो है वो, और उसके नीचे स्टिकर्स लगाया है, और ये है हमारा बेड, तो इस तरह से है। और साइड में हम लोग देखते हैं तो साइड में यहाँ पर उसके बेड के साइड में है ड्रेसिंग टेबल मेरा, और कुछ इस तरह से ड्रेसिंग टेबल को मतलब डेकोरेट किया है। यहाँ पर हम लोगों के फ़ोटोज़ है मतलब माही का फ़ोटो है, हम दोनों का है। यहाँ पर एक शोपीस है, और यहाँ पर ईयरिंग स्टैंड है, वहाँ पर एक छोटा सा वो है लैम्प है, और साइड में उसके नीचे जस्ट मेरा मेकअप का सामान रहता है डेली जो होता है। और इस तरह से है ड्रेसिंग टेबल का लुक, और वहाँ पर कंघी स्टैंड है। और जस्ट इधर आते हैं तो यहाँ पर एक विंडो है, तो यहाँ पर भी पर्पल कलर के कर्टन्स लगाए हैं। नीचे मैंने शूट नहीं किया पर वहाँ पर एक ये है आयरन टेबल है, यहाँ पर एक स्टिकर है, ये अमेजोन से परचेस किया था 3D मिरर स्टिकर। और ये यहाँ पर है कॉमन मतलब अटैच लाइट एंड बाथरूम, तो ये है। और लाइट मतलब ये टॉयलेट बाथरूम का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है, फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। इसमें टाइल जो है ऊपर तक लगवाई है हमने ताकि मतलब पेंट वगैरह करने की ज़रूरत ना हो, और इस तरह से है फुल लुक मेरा इसका टॉयलेट बाथरूम का। और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है मतलब इसकी बेडरूम की। थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम होगा गाइज, बट माइंड मत करना क्योंकि रात का टाइम था और रात के टाइम में थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर बेड के सामने वाली वॉल पे हमने इस तरह से ये किया है, टेक्सचर पेंट किया है पर्पल एंड ब्लू कलर में, और उसके ऊपर राधा कृष्णा की फ्रेम लगाई है। तो उसके अंदर से निकलते हैं तो मतलब बाहर निकलते हैं तो यहाँ से साइड में सीधे सीधे जाते हैं तो इधर कॉमन लैट्रिन बाथरूम है, और यहाँ पर है टॉयलेट बाथरूम कॉमन वाला। यहाँ पर एक बेसिन है, उसके ऊपर जस्ट मिरर लगाया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बाथरूम है, ये है कॉमन बाथरूम, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है गाइस, मतलब जब कभी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तभी ये वाली बाथरूम यूज़ होती है। तो ये कुछ इस तरह से है, तो मैंने इसमें पोछा वगैरह रखा है, थोड़ा सा एक बाल्टी वगैरह ये कुछ रखा है, और ये है कॉमन टॉयलेट, तो ये इंडियन स्टाइल बनाया है। और इस तरह से ये यहाँ पर एक डोर रखा है ताकि मेड वगैरह यहाँ से आ सके, तो इधर से हम लोग आगे भी जा सकते हैं और इसी डोर से हम लोग पीछे भी जा सकते हैं। तो ये मेड के लिए डोर रखा था, तो यहाँ पर वो मेड के लिए ही वो रखा है मतलब कपड़े धोने के लिए। यहाँ पर पत्थर रखा है, नल है और सोप रखने के लिए है, और यहाँ पर तार है कपड़े वगैरह डालने के लिए लगाया हुआ। और ये जो विंडो है वो हमारे बेडरूम की विंडो है, जो वार्डरोब के साइड की विंडो, तो वो मैं आपको दिखा दी अंदर से। और यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं तो ये आगे जाने वाला रास्ता है, यहाँ से ये एक विंडो है, तो ये भी बेडरूम की विंडो है जो मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल के साइड की दिखाई है। और ये विंडो जो है वो लिविंग रूम की विंडो है। फिर अंदर आते हैं तो अंदर से हम लोग स्टेयर से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से ये स्टेयर का रास्ता है मतलब स्टेयर्स है यहाँ पे। और ये मैंने ब्रास के जो पॉट होते हैं वो रखे हैं, और उसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं, और वहाँ पर एक छोटा सा पॉट रखा है ऊपर। और इस तरह से ये वाली वॉल पे ये 3D मिरर स्टिकर लगाया है, तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है चैनल पे। तो और यहाँ पर एक वास रखा है, उसमें कुछ स्टिक्स रखे हैं। और फिर ऊपर आते हैं तो ये वाली वॉल पे मैंने 3 का जो सेट आता है मतलब फ्रेम का, तो वो लगाया है, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला सेट, मतलब सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाते हैं तो उस तरह से डिज़ाइन करके लगाया है।
और ये जो मतलब आगे देख रहे हो तो आप यहाँ पर रेलिंग पे उस तरह से लाइटिंग लगाई है, और यहाँ पर मैंने कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे ही मैंने डेकोरेट किया था गेंदे के फूल का, मतलब वहाँ पर कैंडल रखी थी। और नीचे ही देखते हैं तो हम लोग इस तरह से लुक दिखता है। और ये वाली जो विंडो है वो टावर की विंडो है, तो उसमें भी मैंने 2 वास रखे हैं, छोटे छोटे फ्लावर पॉट। तो उस तरह से आपको नीचे का लुक दिखेगा लिविंग रूम का। और ये वाली वॉल पे मैंने ये वाले 3D मिरर स्टिकर्स लगाए हैं, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस किए थे। इसका भी मतलब अमेज़ॉन वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और ये वाले इस तरह से ही मैंने कॉर्नर कॉर्नर में सभी जगह पे इस तरह से डेकोरेट किया था। और आगे आते हैं हम लोग, तो ये आमने सामने 2 डोर है, और यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं तो ये है गैलरी, काफ़ी बड़ी सी गैलरी है। मतलब छोटा मोटा फंक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, बर्थडे वगैरह के प्रोग्राम भी यहाँ पर हो सकता है छोटा सा। तो यहाँ पर ये ऐसी इस तरह से गैलरी है, और जो लाइट आपको दिख रहा है वो कलर चेंजिंग लाइट है, वो पूरा बिल्डिंग पे पड़ता है। और यहाँ पर हमने एक आकाश कंदील लगाया था, तो इस तरह से ये गैलरी का लुक है पूरा। तो और गैलरी से निकलते हैं तो हम लोग जाते हैं तो एक और बेडरूम है जो आपने कभी नहीं देखी है मेरे वीडियो में। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर कॉर्नर में आपको बताया है वो क्या किया था, डेकोरेट किया था और वहाँ पर स्टिकर लगाया था। तो ये वाली जो बेडरूम है वो आपने कभी नहीं देखी है, तो इसे हमने क्या बोलते हैं तो जिम रूम बनाया है। तो इस तरह से वहाँ पर साइकिल, आपको ट्रेडमिल दिख जाएगी, और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की है थोड़ी सी। वहाँ पर टेडी बेयर्स है काफ़ी, अद्विक के और माही के, और वेइंग मशीन है वो टमी टकर है, और कुछ डंबल्स है। और यहाँ पर एक मतलब अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और टॉयलेट बाथरूम के सीधे आते हैं तो यहाँ पर एक गैलरी है, मतलब सीधे देखते हैं दरवाजे के तो एक गैलरी है, गैलरी का दरवाजा है। और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी है जो काम की नहीं है, ज़्यादा काम नहीं आती है। इस तरह से ये वाली रूम की गैलरी है, छोटी है इस वाले रूम की गैलरी। और इस वाले रूम से बाहर निकलते हैं तो वो आमने सामने वाला दरवाज़ा आपको देखा ही है आपने। तो इस तरह से ये वाली जो बेडरूम है वो आपने बहुत बार देखी है। ये वाले जो बेडरूम है यहाँ पर हमने एक बेड रखा है, और वहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है आपको उसमें मेरा लाइटनिंग सेटअप है। और यहाँ पर एक अलमीरा रखी है, उसमें ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट किया है, डॉगी वगैरह रखा है टेडी बियर्स वगैरह के, तो वो है। और यहाँ पर मेरा क्या बोलते हैं तो ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पर रखा है, यहाँ पर सोफ़ा रखा है, यहाँ पर एक सेंटर टेबल है वो प्लास्टिक का जो आता है, फाइबर का सेंटर टेबल वो है। और इसके कर्टन जो है वो हमने पिंक कलर के रखे हैं क्योंकि ये रूम है वो माही की है इसी वजह से। और यहाँ पर मतलब डोर है, मतलब बड़ा सा डोर है गैलरी के जाने के लिए, मतलब गैलरी पे जाने के लिए ये बड़ा सा डोर है, और उसमें ग्लास के मतलब डोर लगाए हैं। और यहाँ पर एक गैलरी है, ये भी गैलरी बहुत बार यूज़ होती है, उधर की गैलरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ये गैलरी ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ पर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करने के लिए यही वाले रूम में आती हूँ। और ये वाले रूम से हम लोग बाहर निकलते हैं तो आगे ऊपर सीढ़ियाँ है जाने के लिए, तो कॉर्नर में कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। और यहाँ पर कुछ इस तरह से विंडोज़ है जो टावर की है, और ऊपर तक विंडोज़ है ऐसे, मतलब बाहर से बहुत ही अच्छा लुक आता है इस विंडोज़ का। तो इस तरह से है, और टावर ऊपर तक है। और इस तरह से हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर डेकोरेशन किया था, मतलब कैंडल लगाए थे, दिए रखे थे सॉरी। और आगे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी कॉर्नर में किया था ऐसे ही। और उससे ऊपर जाते हैं तो टेरेस का रास्ता है, मतलब टेरेस का डोर है ये, आगे जाते हैं तो बस ऊपर टेरिस है, और ऐसा मेरा घर है पूरा। सो गाइज, अपने घर देख लिया कि कैसा है? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।